जब तक संसद में कानूनों की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी वापसी की, और इसके साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा था जब हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़े थे कि 3 कृषि कानूनों की वापसी और MSP का गारंटी कानून, जो प्रधानमंत्री जी वादा किया करते थे C2+50 के हिसाब से खरीद और भुगतान का गारंटी कानून, तो अभी उसके ऊपर उन्होंने कमेटी बनाने का जिक्र किया, जिससे हम पूरी तरह से असहमत हैं। हम इंतजार करेंगे संसद के सेशन में तीनों कानूनों को वापस लेने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो। इसके साथ में कमेटी से हम असहमत हैं, हमें MSP का गारंटी कानून वैधानिक रूप से संसद के अंदर चाहिए। उत्तर प्रदेश मिशन को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी हमारा संघर्ष जारी है, मोर्चे लगातार चलते रहेंगे, आंदोलन लगातार चलते रहेंगे, जो कार्यक्रम घोषित है वो ज्यों के त्यों रहेंगे, तो टोटल संख्या हमारी 500 रहेगी और 30 ट्रैक्टर ट्रालियां हमारी रहेंगी। इन मोर्चों से हम रवानगी लेंगे और हम जाएंगे संसद के लिए। संसद पे 500 किसान जाकर के बैठेंगे, वहां मोर्चा लगाएंगे। अगले ट्रैक्टर होंगे या 500 किसान होंगे? 500 किसान होंगे और 30 ट्रैक्टर ट्रालियां होंगी। जहां हमें रोकेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे। किसान पीछे नहीं हटेगा, सरकार पीछे हटेगी। वक्त हम कितना दें, वक्त कितना दें? आजादी के बाद एक सबसे बड़ा आंदोलन है, 12 महीने पूरे होने को हैं, कितना वक्त चाहिए? जब कानून लेकर के आए थे इन्होंने कितना वक्त लिया था? आप देखिए कि कैसे सारी चीजों को ताक पे रख करके और फटाफट कर दिया था, तो अब उससे दुगनी गति से वापिस लीजिए, MSP का कानून दीजिए। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई है और आगामी फैसले की रहने वाले ने संयुक्त किसान मोर्चे दे, क्योंकि PM मोदी हुणा ने कहा कि कानून वापस ले जा रहे ने, तो अज मोर्चे की वड्डी मीटिंग हुई है। किसान आगू रवि आजाद साडे नाल मौजूद ने, गलबात करदे हां। रवि जी, मोर्चे की मीटिंग हुई है और क्या क्या फैसले लिए गए आज? देखिए, आज मुख्य तौर पे जो 19 तारीख में गुरु नानक जी की जयंती पे प्रधानमंत्री ने कानून वापसी की घोषणा की है, उसके बाद और उस पूरी रणनीति के ऊपर चर्चा हुई है, जिसके तहत जब तक संसद में कानूनों की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी वापसी की, और इसके साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा था जब हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़े थे कि 3 कृषि कानूनों की वापसी और MSP का गारंटी कानून, जो प्रधानमंत्री जी वादा किया करते थे C2+50 के हिसाब से खरीद और भुगतान का गारंटी कानून, तो अभी उसके ऊपर उन्होंने कमेटी बनाने का जिक्र किया, जिससे हम पूरी तरह से असहमत हैं। हम इंतजार करेंगे संसद के सेशन में तीनों कानूनों को वापस लेने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो। इसके साथ में कमेटी से हम असहमत हैं, हमें MSP का गारंटी कानून वैधानिक रूप से संसद के अंदर चाहिए, जिसको लेके मोर्चा ने फैसला किया है कि एक पत्र हम प्रधानमंत्री को लिखेंगे। आगामी 29 तारीख से सेशन है, 24 को कैबिनेट की मीटिंग है, वो कैबिनेट में क्या बात करते हैं वो भी देखेंगे, और इसी के साथ में कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश मिशन को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी हमारा संघर्ष जारी है, मोर्चे लगातार चलते रहेंगे, आंदोलन लगातार चलते रहेंगे, जो कार्यक्रम घोषित है वो ज्यों के त्यों रहेंगे। 22 तारीख में लखनऊ की महापंचायत है, जो अपने आप में एक नए रिकॉर्ड बनाएगी। इसके साथ में आगामी 26 तारीख को देश भर में आंदोलन एक साल पूरे कर रहा है, और बॉर्डरों के ऊपर किसान मजदूर महापंचायतें होंगी, जिसकी तैयारियां देश भर में खास करके उत्तर भारत में चल रही हैं, और इसी के साथ में 29 तारीख से हम संसद की ओर ट्रैक्टरों से कूच करेंगे। एक कार्यक्रम 24 तारीख का रहेगा, चौधरी छोटू राम जी, जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं, उनकी जयंती है, और उनकी जयंती को हरियाणा भर में, देश भर में आंदोलन सतलों पे, मोर्चों पे, टोलों पे, सब जगह मनाया जाएगा। ये फैसला आज की मीटिंग में हुआ है। ट्रैक्टर मार्च जो है वो उसका रूट प्लान क्या रहेगा? दिल्ली जाएंगे आप? देखिए, जो विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो एक तो हमारा गाजीपुर बॉर्डर है जहां से रास्ता खुला है, और एक टिकरी बॉर्डर है जहां से रास्ता खुला है, तो टोटल संख्या हमारी 500 रहेगी और 30 ट्रैक्टर ट्रालियां हमारी रहेंगी। इन मोर्चों से हम रवानगी लेंगे और हम जाएंगे संसद के लिए। संसद पे 500 किसान जाकर के बैठेंगे, वहां मोर्चा लगाएंगे। अगले ट्रैक्टर होंगे या 500 किसान होंगे? 500 किसान होंगे और 30 ट्रैक्टर ट्रालियां होंगी। अलग अलग जत्थेबंदी की आपको ध्यान होगा, जब किसान संसद चली थी
तो अलग अलग जत्थेबंदी की जिम्मेदारी लगाई गई थी, उसी प्रकार से संसद कुछ की जिम्मेदारी रहेगी। तक की परमिशन मिलेगी अंदर जाने के लिए फिर? जहां हमें रोकेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे। किसान पीछे नहीं हटेगा, सरकार पीछे हटेगी, तानाशाह पीछे हटेंगे। कह रहे हैं कि अब वक्त देना चाहिए थोड़ा, जैसा कि सेशन है, सेशन तक का वक्त दे देना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मन है, इस चीज को लेकर भी चर्चा हुई है मीटिंग में। देखिए, मीटिंग के अंदर वक्त हम कितना दें, वक्त कितना दें। आजादी के बाद एक सबसे बड़ा आंदोलन है, 12 महीने पूरे होने को हैं, कितना वक्त चाहिए। जब कानून लेकर के आए थे इन्होंने कितना वक्त लिया था, आप देखिए कि कैसे सारी चीजों को ताक पे रख करके और फटाफट कर दिया था। तो अब उससे दुगनी गति से वापस लीजिए, एमएसपी का कानून दीजिए। अगर आप सच्चे किसानों के हितैषी हैं तो एमएसपी का गारंटी कानून बनाइए। ये कोई जो डेथ वारंट पे साइन किए थे जो 5 जून 2020 में, वही तो वापस हुए हैं। कोई एहसान कर दिया क्या सरकार ने? 750 लोगों की शहादत हो रही है हमारी, हम एक साल से शरणार्थी बन करके बैठे, सरकार ने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। हमने छीन करके लिया है और लड़ करके लिया और आगे भी लड़ करके लेंगे, और इसका श्रेय शहीद किसानों को जाता है, किसानों को जाता है, मजदूरों को जाता है, देश की जनता को जाता है। देश के प्रधानमंत्री की बात पे तो जनता भरोसा नहीं कर रही। अब भी जनता ये कह रही है भरोसा मत करना, बहुत झूठ बोल रही है प्रधानमंत्री। जब तक पक्का काम ना हो जाए तब तक मोर्चों से नहीं हटेंगे, ये देश के अंतिम आदमी की आवाज है। जी, जैसा कि हिंदू महासभा के कार्यालय की तस्वीर आपने देखी होगी, उन्होंने तो प्रधानमंत्री की तस्वीर नीचे उतार दी, वो कह रहे हैं कि, तो इस चीज को किस तरह से देखते हैं? मतलब इस तरह के भी अब खिलाफत होने लगी, कह रहे थे कि जैसी जो स्टैंड ले लिया था उसी पे कायम रहना चाहिए था, इस तरह की बयानबाजी? देखिए, आज तक किसान ना कभी हारा है और ना कभी हारेगा। ना तानाशाहों की जो ये हिटलर शाही है ये किसी कीमत पर नहीं चलेगी। जो आप हिंदू महासभा का जिक्र कर रहे हैं, किसान किसान है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, और हम इस देश की आत्मा हैं। जो हमारे साथ खिलवाड़ करेगा ना वो सत्ता में रह पाएगा, ना वो लोगों के दिलों में रह पाएगा। और मोदी सरकार विश्वास खो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ना तो जो बोल बोले गए हैं वो भूलेंगे, और ना जो संघर्ष किया है और जो तपस्या हुई है और जो सताया गया है हमें भूलेंगे नहीं, सूत समेत हिसाब करेंगे। आंदोलन चलेगा और आंदोलन जीतेंगे, लेकिन बीजेपी इस भ्रम में ना रहे कि हम कोई चीज भूल जाएंगे। भूलने वाला नहीं है ये देश। ये वही लोग हैं जो झूठ बोले, ये वही लोग हैं जो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, किसान के कर्ज मुक्ति की बात करते थे, 1 के बदले 10 सिर लाने की बात करते थे, बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी की बात करते थे। आज देश बेचा जा रहा है और हम आंख बंद कर करके बैठे रहे। जी, ये कि नोटिसेस जो लोगों को आए थे वो विड्रॉ होंगे, या जिन लोगों पे FIR दर्ज हुई, लोग जेलों में रहे, वो भी क्वेश्चन होंगी सारी चीज? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं, कानून वापसी की पूरी प्रक्रिया, MSP की गारंटी, देश भर में दर्ज सभी मुकदमों की वापसी, चाहे वो NIA के हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की पद से बर्खास्तगी, जिन्होंने लखीमपुर में एक ऐसे जघन्य कांड को अंजाम दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा हम उस घटना को भूल नहीं सकते। जब तक सारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम मोर्चों से नहीं हटेंगे, चाहे हमें और 12 महीने बैठना पड़े। और हम तो पहले ही घोषणा करके बैठे कि हम तो 2024 और 29 तक भी बैठने के लिए तैयार हैं। इस चीज की चर्चा हुई है मीटिंग में, जो आप बातें कह रहे हैं? बिल्कुल, FIR हो या फिर टेनी की, बिल्कुल इन सब की चर्चा हुई है। और ये हमारे पहले से, संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले भी बयान जारी कर दिए थे, क्योंकि बीजेपी की IT सेल भ्रम फैला रही कि आंदोलन तो खत्म हो चुका है। क्योंकि आपने देखा कि जो लोग 12 महीने तक कृषि कानूनों के फायदे बता रहे थे, वो रद्द होने के फायदे बता रहे हैं। जो नेता आप देखिए, केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं, वो कहते थे कि भीड़ इकट्ठा होने से कानून बदलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे थे एक विशेष वर्ग का आंदोलन है। उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कानूनों में बदलाव नहीं होते, संशोधन होते हैं। आज उनके मुंह के ऊपर उन्हीं के नेता, उन्हीं के आका नरेंद्र मोदी ने तमाचा मारा। मैं तो ये कहता हूं थोड़ी बहुत शर्म बाकी है बीजेपी, RSS और उनके सहयोगियों में, तो वो घुटनों के बल बैठ करके देश की जनता से
कोणियों तक के हाथ जोड़ करके माफी मांगे, नहीं तो ये जनता उनको माफ नहीं करेगी अन्नदाता के अपमान के लिए। आप ये बताइए मुझे, बांटने की कोशिश बहुत हुई, कोई कहने लगा कि ये सिखों का आंदोलन है, कोई कहने लगा कि जैसे कि जो सरकार के फेवर के लोग थे वो कहने लगे कि आतंकवादी बैठे हैं, अभी भी कंगना जैसी तो कहने की खालिस्तानी लोग बैठे हैं और सरकार को झुकना नहीं चाहिए था। तो अगर मैं यूं पूछूं, खैर ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि, लेकिन जवाब उन लोगों को क्या देना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अगर एक हिंदू का जवाब हो मैं चाहूं तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, धर्म व्यक्तिगत मामला है, जाति ब्याह शादियों तक ठीक है। जब हम अपने घर की चौखट से बाहर निकलते हैं तो बात मुद्दे की, रोजी रोटी की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, किसान की हालत की, रोजगार की, इनकी होनी चाहिए। ये लोग असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज महंगाई आसमान छू रही है, आज पेट्रोल डीजल के रेट देखिए, आज आप कानून व्यवस्था देखिए देश में, आज आप जो है बेरोजगारी की हालत देखिए, यूरिया डीएपी के लिए किसान लाइनों में लग के मर रहा है। ये लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हमें धर्म और जाति के नाम पे उलझाना चाहते हैं। इस आंदोलन में इन्होंने हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या क्या नहीं बोला हमें, लेकिन ये भगवान का, वाहेगुरु का, ईश्वर अल्लाह, हम जो कहें, ये प्रकृति का आंदोलन है। और जब जब अन्नदाता सड़कों पे आया है, कभी हार करके नहीं गया और ना कभी हारेगा, क्योंकि हम कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने जमीन को और जमीर को और फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस देश के मालिक हैं। हम इस तरह से अगर हम हारेंगे तो पूरा भारत हारेगा, और हम जीते हैं तो पूरा भारत जीता है। सरकारें आती जाती रहेंगी, 5 साल में चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन किसान था, है और रहेगा। जी बहुत धन्यवाद। बहुत तो किसान आगू रवि आजाद होनी साडे नाल मौजूद सन। रवि होना ने खुल के तमाम चीजा नू लैके जवाब दिते ने कि किस तरीके दे नाल बेशक धर्मां दे विच वंडन की कोशिश हुई होवे अंदोलन नू, या फिर होर बहुत सारे मुद्दे नू लैके अंदोलन नू डीरेल करन दी कोशिश कीती गई होवे, पर ए अंदोलन जित्या, देश दा किसान जित्या और इसे करके देश जित्या, क्योंकि रवि आजाद होनी कहिंदे कि असीं देश दे मालक हाँ और देश का मालक इस अंदोलन जितया। कैमरा परसन शमशेर के विक्रम सिंह, प्रो पंजाब टीवी, शंघू बार्डर, दिल्ली।